एंड अभी हमारा स्कूटी लेने का फाइनल हो चुका है। बिल्कुल मामा जी कह रहे हैं तो इसको, तो मुझे भी यही वाला अच्छा लग रहा है। डिलीवरी देखा होगा यहाँ तक कि क्या का डिलीवरी देखा है मुझे खुद पता नहीं, बट आज मैं आपको मेरी छोटी बहन का ब्रांड न्यू स्कूटी डिलीवरी दिखाने वाला हूँ। मान लो जब हमारे घर भैया का पहला सैलरी से पहली बार स्कूटी आया था तो हमें काफी खुशी हुई थी, और आज मेरे मामा घर में भी वैसा ही खुशियों का माहौल होने वाला है। अब भाई ये रियलिटी है कि आजकल के बच्चे अंडे से निकले नहीं कि भाई उनको स्कूटी और बाइक चाहिए। अब देखो इसे भी कुछ दिन बाद कुछ कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, भाई हमें परेशान करके रख देगा ये। ये देखो अभी से ही कितना ज्यादा शरारती है, बड़ा होकर कैसा बनेगा पता नहीं है। ये देखो मुझे ढंग से भाई वीडियो भी बनाने नहीं देता है, परेशान कर देता है, और मुझे इसी के कारण वॉइस ओवर करना पड़ता है। बाकी यार अब मैं चलता हूँ शोरूम पे, और कौन सा स्कूटी लूंगा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो अब मैं जाऊंगा और आज मैं अपने मामा के घर में ही रहूंगा। और कांची कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना, आज मैं वहीं पर रहूंगा? नहीं होगा। ओके, क्योंकि मम्मी है तो मम्मी होने के बाद मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो अब मैं चलता हूँ वहाँ पर, अपने मामा से मीट करता हूँ, अपनी छोटी बहन से मीट करता हूँ, देन फिर हम लोग शोरूम पे चलते हैं, और शोरूम पे जाके हम लोग एक नई स्कूटी की तलाश करते हैं, और जो भी मिलेगा वो हम लोग ले लें। साथ ही मैंने अपना ये प्यारा सा हेलमेट भी पकड़ लिया, क्योंकि अब मैं घर से पैदल ही निकला हूँ, तो निकलते निकलते मुझे टुकटुक भी मिल गया, एंड अब मैं इसी में चढ़ के अपना होम टाउन तक जाऊंगा, और नई स्कूटी खरीदने के बाद तो उसी को चला के वापस आऊंगा। लेकिन टुकटुक को मेन टाउन के अंदर एंट्री नहीं था, और मैं पैदल ही चलते हुए जा ही रहा था कि मुझे मिले एक सब्सक्राइबर जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका वीडियो हमारे क्लास के सभी लोग देखते हैं, तो आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतना प्यार से दिया हुआ ऑफर मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, इसीलिए इन्होंने मुझे शोरूम तक छोड़ दिया, और यहीं पे मेरे मामा जी छोटी बहन अपना सुपर बाइक लेके पहुंच चुके थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। फिर हम घुसे टीवीएस के शोरूम पे, जहाँ पे घुसते ही मेरा तो एंटॉर्क पे दिल आ गया, पर लड़कियों के लिए ये खतरों का खिलाड़ी हो सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा पावर है। वैसे ये तो बाइक भी चला लेती है, पर इसकी एक पतली से बड़ी बहन है जिसे एक साइकिल संभालने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, तो उसी के कारण हमने जुपिटर देखा, और सच कहूं तो ये ऑरेंज वाली पे हमारा दिल आ गया था। यहां तक कि मेरे मामा जी भी फाइनल कर चुके थे क्योंकि इनको ये वाला कलर बहुत पसंद आया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इसका डिक्की वाला स्पेस काफी बड़ा था, यू मान लो स्कूटी के अंदर सबसे बड़ा डिक्की का स्पेस तो इसी का था। एंड अभी हमारा स्कूटी लेने का फाइनल हो चुका है, हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जुपिटर। ओके, ये वाला आप लोग देख सकते हो, ये है 110 cc का, और मेरी छोटी बहन कह रही है कि इसको ही लेना है। ओके, लेकिन मेरे मामा जी कह रहे हैं दूसरा वाला को लेना है। ये आप लोग देख सकते हो, ये है 125 cc का, और मामा जी आपका कैसा लगा ये? बिल्कुल ये वाला, मेरे मामा जी मतलब दिल आ गया इसमें, और मेरी छोटी बहन का दिल इसमें हो वाला रेड में। दोनों ये रेड में, क्योंकि लड़की आदमी है ना, मतलब लड़कियों को रेड ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मामा जी कह रहे हैं तो इसको, तो मुझे भी यही वाला अच्छा लगा। लेकिन छोटी बहन के जीत के आगे हम नहीं टिक पाए क्योंकि उसे यही रेड वाला पसंद आया था, बट इसका कलर में कुछ कमजोरी होने के कारण मामा जी ने भी मना किया, प्लस सभी घर वाले मना करने लगे। वैसे इसका पीछे का लुक मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए हम लोग दूसरा शोरूम भी गए थे, बट वहाँ भी उतना खास नहीं लगा। बाकी हम लोगों ने एंटॉर्क को भी देखा था, ये वाला एंटॉर्क आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है ये वाला, बट इसमें ना लड़कियों के लिए मतलब थोड़ा रिक्सी हो सकता है क्योंकि ये इंस्टेंट पिकअप लेता है, थोड़ा सा घुमा दो भाई बूम उड़ जाता है, तो ये थोड़ा रिक्सी होगा, इसीलिए हम लोगों ने जुपिटर ही सेलेक्ट किया है। अभी कौन सा लेंगे डिलीवरी देख। फाइनली मैंने एंड में जाके इस वाली स्कूटी को निकाला जो सेम टू सेम मॉडल का है, बट इसका कलर थोड़ा सा अलग है। मतलब पूरा का पूरा घर वालों के साथ डिस्कस हुआ, देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग इसी को लेंगे, और ये वाला आप लोग देख सकते हो, ये भी जुपिटर का ही है। ओके, बट ये थोड़ा सा कौन सा मॉडल है आई डोंट नो, ZX मॉडल है, आप लोग देख सकते हो, और ये 110 cc का है, और इसका प्राइस भी कम है, मतलब कि काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, यहाँ पर सिलेंडर आ सकता है, मतलब कि अगर मुझे गैस भराना होगा तो भाई यहाँ पर आराम से लेके जा सकते हैं। अब हमारा स्कूटी का डिलीवरी होने वाला है क्योंकि हमने पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस कर दिया है, तो इसीलिए इधर स्कूटी में बॉडीगार्ड से लेकर फुटरेस्ट वगैरह सब कुछ लग चुका है। लेकिन सिर्फ स्कूटी का डिलीवरी देख के मत भागना है, वरना घर वालों का भयंकर रिएक्शन देखना मिस कर दोगे, क्योंकि हम उन्हें बिना बताए ये ब्लू कलर का स्कूटी ले रहे हैं, तो एकदम तगड़ा रिएक्शन आने वाला है। फाइनली अभी हम लोग इस स्कूटी को डिलीवरी ले रहे हैं, एंड इधर मेरे मामा जी को गमछा उमछा, हमारा आसाम का जो ट्रेडिशनल गुलाम गमछा है, उसे यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, एंड अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग TVS का है, तो कौन सा मॉडल चाहिए? ZX वाला, ये देख सकते हैं आप लोग, काफी अच्छा स्कूटी है, और इधर मेरी छोटी बहन है, खुश है, बढ़िया बढ़िया स्कूटी, अच्छा लगा मामा जी, कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया है। चलिए मेरे को भी यूट्यूबर मतलब ये असम का नंबर 1 यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं, ब्लॉगर हूँ। ओके, thank you.
स्कूटी पे फर्स्ट राइड, बट यार वही है ना, बाइक चलाने वाले को स्कूटी बहुत बोरिंग लगता है, साला दौड़ता ही नहीं, और ऊपर से मेरा मामा का घर इतना दूर है कि लगता है कि भाई पाकिस्तान जा रहा है। वैसे जाते आते काफी सुंदर सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सया लेते हैं, बट दूर तो बहुत ज्यादा है। अभी मेरी छोटी बहन ड्राइव कर रही है, क्योंकि ये गाँव का रास्ता है, तो मैंने इसको चलाने के लिए दे दिया है। एंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया नया स्कूटी में, वाह वाह, मतलब क्या देख, खुश हो रही है और कह रही थी कि भाई कल तो मैं सबसे पहले इसे कॉलेज लेके जाऊंगी। फिर जाएगी कॉलेज, दिखाएगी अपने दोस्तों को। अब घर आते आते शाम भी हो गया, तो सभी लोग निकल निकल के स्कूटी देखने लगे। तो फाइनली गाइस, ये देख सकते हो घर पे आ चुका है ये वाला स्कूटी, जुपिटर। जुपिटर के आगे कोई बोल सकता है क्या? जुपिटर, देखो ये देखो, अभी मेरी मामी वहाँ पर है। मामी जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, मामी जी पूरा खुश है एकदम। अभी थोड़ी देर बाद नाचेगी हमारी मामी जी, ये देखो। और यहाँ पर ऑलरेडी और एक बाइक है, ये वाला बाइक अभी पूरा मेरे साथ साथ लिया था, लेकिन भाई मेरा जो भैया है वो नहीं रहता है ना घर पे, वो अपना ड्यूटी पे चला जाता है, तो भाई अभी तो खत्म ही हो चुका है, अभी अभी बना के लाया होगा शायद से। मेरे मुंह मीठा करने के लिए होम टाउन से थोड़ा सा मिठाई लाया था, तो उसको मामी को सौंप दिया, और जब मैं अंदर गया तो मुझे मिला मेरा एक बिग फैन। कैसा लगा स्कूटी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, आप भी चलाओगे? हाँ, बाइक चलाओगे या फिर स्कूटी चलाओगे? स्कूटी चलाओगे। खैर, भैया के रूम पे आया तो ये फीवर के कारण सो रहा था, क्योंकि दो तीन दिन का सफर करके आया, तो इसको इसी कारण बहुत तेज फीवर आ गया। साथ ही इसी के सामने मुझे कोलकाता वाली फोटोज मिली, यानी कि आज से करीब 5-6 साल पुरानी। तब मैं पैसे कमाने के चक्कर में कोलकाता गया था और 2500 रुपए डुबा के आया था। खैर, अब मैं मुंह मीठा करता हूँ, तब तक आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो। चलो बाय।